हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज ट्राई करते हैं एक वायरल चाय, वायरल टी। मैं तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है इससे पहले आपने इसे बना के ट्राई की हो, लेकिन मैं बनाने के बाद पी के ऑनेस्टली बताऊंगी कि ये चाय कैसी बनी है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया एक भगोनी, और साथ में लेंगे दिया, मिट्टी का जो दिया आता है ना दिवाली पे जलाते हैं, वो अच्छे से धो के मैंने 4 दीपक लिए हैं, क्योंकि मैं 1 कप चाय बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो बड़े बर्तन लीजिएगा, और 4 से 5 दीपक भी ले सकती हैं। और उसी में डाल दिया मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी, उसी बर्तन में हम डाल देंगे। सबसे पहले दिया रखेंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे, और डालने के बाद इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, गैस को ऑन कर देंगे, साथ में डाल देंगे ये मसाले सारे बारी बारी से। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सौंफ, ये मैं 1/4 चम्मच सौंफ ले रही हूँ, क्योंकि 1 कप मैं बना रही हूँ। साथ में थोड़ा सा तेज पत्ते का टुकड़ा, थोड़ा सा मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 1 चम्मच चाय पत्ती की डाल रही हूँ। साथ में हम डाल देंगे इसी टाइम पे टेस्ट के हिसाब से 1 छोटी चम्मच मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पीती हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा अदरक क्रश करके या फिर आप ग्रेट करके ले लीजिएगा, और इसको अच्छे से हम उबलने देंगे, ताकि चाय पत्ती अच्छे से उबल जाए, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। और जब ये उबल जाए तब उसी टाइम पे डाल दिया मैंने आधा कप दूध। ये पहले से उबला हुआ दूध है, तो इसलिए हमें चाय उबालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छी चाय बन के तैयार हो जाएगी। और चाय को हम पकने देंगे, और 1 से 2 बार हम इसको बीच में हिला भी देंगे, यानी चला देंगे, ताकि दिया ऊपर से नीचे तक हो जाए और ये अपना फ्लेवर बहुत अच्छे से छोड़ दे। फ्रेंड्स, इस तरह हम कुछ देर चाय पकाने के बाद देखिए इस तरह की हो गई है चाय, लगभग बन के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अब जब चाय बन के लगे कि आपको चाय बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, तो उसी टाइम पे आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा, और किसी कप में इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, मैं एक प्यारे से कप में इसको छान ले रही हूँ, और छानने के बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको वैसे भी इंजॉय कर सकती हैं, या फिर किसी नमकीन के साथ। अब मैं तो मूंगफली के साथ इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो इसलिए मैं आपको पी के बता रही हूँ फ्रेंड्स कि चाय कैसी बनी है। और वाकई ये जितना देखने में लगती है कुछ अलग है ना, पीने में उससे भी ज़्यादा अलग लगेगी फ्रेंड्स, मुझे लगता है ऐसा। तो मैं पी के आपको बता रही हूँ, वाव, ये पी के बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे तंदूरी चाय होती है ना, सेम वैसी ही लग रही है। एक बार आप ये चाय ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।